हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छा रहना भी चाहिए। और मुझे पता है कि आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी आपके एडमिशन की। तो चलिए आज के इस अपडेट में जानते हैं कि क्या है खास, क्योंकि अब मेल कैंडिडेट्स को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि रिजर्वेशन मिल गया है लड़कियों लोगों को। और कितना मिला है? 33% मेडिकल सीट जो है बिहार में, जितनी भी सीटें हैं उनमें 33% सीटों का आरक्षण फीमेल के झोली में चला गया है। तो बिल्कुल आप लोग को थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी क्योंकि अब आप लोग की सीटें जो हैं वो उस सीटों पर एक लिमिटेड सीट आ गया है, जिसके वजह से आपको उस लिमिटेड एरियाज में काफ़ी टफ कंपटीशन बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में करने पड़ेंगे, क्योंकि अब फाइट आपका जो है फीमेल कैंडिडेट से थोड़ा ना थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो वो ख़त्म हो गया। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। और ये केवल मेडिकल में ही नहीं, ये आपके इंजीनियरिंग सेक्टर्स में भी हुआ, यानी टोटल बिहार स्टेट में मैं बात करूँ तो चाहे वो इंजीनियरिंग का एडमिशन हो चाहे वो मेडिकल का एडमिशन हो, इन दोनों पे आपको अब मेहनत करना होगा मेल कैंडिडेट्स को। पूरी डिटेल जानते हैं। पूरी डिटेल जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि बायोलॉजी ड्रीमर्स आपके लिए हमेशा इसी तरीके के अपडेट्स लेके आता रहे। तो चलिए जानते हैं क्या है खास इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज में अधिक होगा नामांकन ये फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में, क्योंकि हमारे स्टेट में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में 13,675 सीटों पर नामांकन होता है, यानी 13,675। इनमें 4,512 सीटों को लड़कियों के लिए रिजर्व्ड कर दिया गया है ये 2023 से। JEE मेन में बेहतर स्कोर प्राप्त करने वाली लड़कियों को अनडिजर्व्ड कैटेगरी में एडमिशन होगा। और उसके अलावा 4,500 सीटों को तय कर दिया गया है कि ऐसी स्थिति में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 50% से अधिक सीटों पर लड़कियों का नामांकन होगा। बिहार सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। रियली इन बिहार स्टेट्स वीमेन एम्पावरमेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने यानी नीतीश कुमार ने लड़कियों यानी बच्चियों लोगों के ऊपर ध्यान दिया, जैसे साइकिल योजना, फिर प्रोत्साहन राशि योजना, जैसे कि 10th करने के बाद जो एक पैसा आता है बच्चे लोगों को, 12th करने के बाद जो पैसा आता है इससे एक प्रोत्साहन राशि कहते हैं, जिससे कि वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ये बहुत अच्छा इनिशिएशन है हमारे बिहार गवर्नमेंट और नीतीश कुमार के द्वारा, और इसकी सराहना भी मैं बहुत तहे दिल से करता हूं कि इसमें हमारी लड़कियों लोगों ने बहुत ही अच्छा नाम कमाया, बहुत ही अच्छे पढ़ाई में बनी है। और हमारा जो पहले बिहार बहुत पिछड़ा हुआ रहता था एडुकेशन के मामला में और लिटरेसी रेट के मामला में, लेकिन अब हमारा बिहार बहुत आगे है। तो दोस्तों, ये तो थी इंजीनियरिंग के हालात और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कितनी सीटों पे अब एडमिशन होगा मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का, ये मैंने क्लियर कर दिया है क्योंकि रिजर्व कैटेगरी के अंदर में फीमेल को रख दिया गया है, तो उनकी सीटों के बीच में अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ कि जो भी बॉयज़ लोग हैं, अब ऐसे में जो मेडिकल कंपटीशन हो गया है उन लोग के बीच में वो ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि डेफिनेटली उनके कंपटीटर में फीमेल जो थी वो रिजर्व्ड हो गई है, यानी अब उनकी सीटों के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आपके पास सीट तो लिमिटेड हो गए ना। अब सीट लिमिटेड हो गए तो डेफिनेटली कंपटीशन टफ हो गया और हाई हो गया है, और इसी के वजह से आप लोग को मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो मेल कैंडिडेट को अब थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है अपने पढ़ाई पे, एक्स्ट्रा लेबर करना है और अच्छे से आप लोगों को तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास होइए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था, ये वीडियो बस आपको एक बताने के लिए था, बिहार स्टेट्स में मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों पर फीमेल कैंडिडेट्स को रिजर्व रखा गया है 33% के अकॉर्डिंग। 33% रिजर्वेशन है उनको मेडिकल कॉलेजेस में और उसके बाद जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब आपको आगे क्या करना है। और ये जो रिजर्वेशन है ये इसी साल से लागू कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ऐसा हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें और इसी तरीके से अपने भाई, अपने दोस्त, अपने मेंटर को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।